सर, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आपका बेसिक पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है MBA, MCOM, BCOM स्टूडेंट एंड एज वेल एज नेट जेआरएफ पेपर टू में भी आपका एंड पेपर वन एज वेल। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है या फैक्ट्स है किसी भी डिपार्टमेंट में, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, और जब उसे एक दूसरे के रिलेशन में पुट किया जाता है। मान लीजिए बॉयज़ की एवरेज हाइट है 65 और गर्ल्स की एवरेज, सॉरी हाइट बोल रही हूँ मैं, वेट, बॉयज़ की आपका एवरेज वेट है 65, वहीं गर्ल्स का एवरेज वेट है 60। तो गर्ल्स का एवरेज वेट कहीं ना कहीं 5 कम है बॉय से। तो ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है और इसको मैंने कहीं ना कहीं रिलेशन में पुट किया है, बॉयज़ और गर्ल्स में कंपैरिजन किया है। तो ये क्या है आपका? एक तरीके का स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक को हम ये भी कह सकते हैं कि एक साइंस है जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का। जैसे कि मैंने अभी निकाला कि बॉयज़ का जो एवरेज वेट है आपका 5 ज़्यादा है गर्ल्स के मुकाबले, और गर्ल्स का एवरेज जो वेट है वो 5 कम है बॉयज़ से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक के? जैसे एक ह्यूमन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उसके 2 हैंड होते हैं, वो बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। वैसे स्टैटिस्टिक के भी आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब ये फैक्ट्स को मिलाकर होता है। एक सिंगल फिगर 50 मैंने लिख दिया, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो आइसोलेटेड फिगर जो होता है जैसे 50, ये आपका स्टैटिस्टिक नहीं है। जबकि जब हम इसको एग्रीगेट फैक्ट्स में हम जब इसको जोड़ेंगे किसी के रिलेशन में, तो ये आपका स्टैटिस्टिक बनेगा। जैसे 50 क्या है? गर्ल्स की एवरेज आपकी वेट है, तो ये मैंने बताया, और बॉयज़ का 55 है, तो ये आपका स्टैटिस्टिक है। सिर्फ 50 नंबर कोई स्टैटिस्टिक नहीं है। अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसे कि प्राइस किसी चीज़ का 40 है, तो ये 40 जो प्राइस है, ये जो नंबर आया है, ये बहुत सारे फैक्टर्स से आपका अफेक्टेड है। जैसे प्राइस 40 क्यों है? क्योंकि सप्लाई आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, डिमांड आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपकी शायद प्राइस 40 हो। इम्पोर्ट उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोग चाहे उतना नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी ये 40 प्राइस है। तो ये जो आपका है स्टैटिस्टिक, के बहुत सारे कॉजेस से कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड जो स्टैटिस्टिक है वो नंबर्स फॉर्म में होता है, किसी के फीलिंग फॉर्म में नहीं होता है कि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ये आपका स्टैटिस्टिक नहीं। क्वालिटेटिव चीज़ें स्टैटिस्टिक का फॉर्म नहीं बनती है जब तक हम उस क्वालिटेटिव चीज़ को क्वान्टिटी में कहीं ना कहीं डिफाइन ना करते। तो न्यूमेरिकल डेटा ही आपका क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है, जैसे कि हमने, और ना कि कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। फैक्ट और स्टेटमेंट जैसे होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है मुंबई का, वो इम्प्रूव कर गया है, या क्वालिटेटिव चीज़ें कि आज मैं ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, ये आपका क्या है? स्टैटिस्टिक का पार्ट नहीं है। भले जब मैं उस ऑनेस्टी को अगर मैं मापूंगी, नंबर फॉर्म में लिखूंगी, तब वो आपका स्टैटिस्टिक होगा। तो होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन वगैरह समझ में आई होगी, बिजनेस स्टैटिस्टिक का बेसिक समझ में आया होगा। होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन, bye bye, have a nice day.